हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपीएससी की दुनिया में। और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या आईपैड जो है वो हमारी स्टडीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, और अगर इम्पॉर्टेंट है तो हम उसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर बात हम आईपैड की करते हैं, तो मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आपके पास अप्रॉक्स 25 to 30,000 का बजट है कि आप आईपैड परचेज करने वाले हो। अगर आपके पास सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर आप आईपैड परचेज कर रहे हो तो वो क्यों कर रहे हो। उसके दो रीज़न होंगे ऑब्वियसली। अगर आप पढ़ाई के लिए कर रहे हो तो पहला क्या होगा, आप नोट मेकिंग के लिए कर रहे होगे, और दूसरा क्या होगा, आप अपना कोई भी ऑनलाइन बुक पढ़ने के लिए उसे परचेज कर रहे होगे। अगर आपके पास आईपैड के लिए बजट नहीं है तो आजकल सबके पास ही पीसी या फिर लैपटॉप होता है, तो आप उससे भी पढ़ाई ऑनलाइन कर सकते हो। और रही बात नोट मेकिंग का, तो आईपैड अगर नोट मेकिंग के लिए पीसी लैपटॉप पे एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव होता है जिसका नाम होता है एवर नोट ऐप। आप उसे डाउनलोड करके, जो कि फ्री है, आप उसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं आईपैड का, अगर आपने आईपैड परचेज करने का अपना मूड बनाया है, तो मैं सबसे पहले बता दूं कि अगर आप एक नॉर्मल सा आईपैड लेते हो वो आपको 25 to 27,000 तक का आपको पड़ जाता है। लेकिन आपका काम बस इतने में नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर आपको नोट मेकिंग करना है तो आपको उसके लिए ऐप भी परचेज करना होगा इसके ऐप स्टोर से, जिसका नाम होता है गुड नोट्स 5, ठीक है ना, जो कि आपको अप्रॉक्स 600 to 700 रुपीज़ का ये भी पड़ेगा। प्लस अगर आपको उसके लिए लिखना है तो ये आपको, ये एप्पल पेंसिल दिख रही है ना, ये भी आपको अप्रॉक्स 8,500 का पड़ जाएगा। तो पूरा मिला के आपका जो बजट होता है वो 25K प्लस 700 नोट्स का प्लस 8,500 जो है आपका एप्पल का पेंसिल का हो जाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्या ये रियली इम्पॉर्टेंट है, तो हम कह सकते हैं हाँ ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ये जो है, मतलब बहुत सारे जो बुक्स का बर्डन होता है ना, हम कई बार बुक्स देख के ही डर जाते हैं कि यार इतनी सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। और उसके बाद फिर नोट्स बनाने के लिए अलग से हम कॉपी का, पेजेस का अरेंजमेंट करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी हम कहीं पे मूव करते हैं तो हमें ये टेंशन रहता है कि इतनी सारी हमें बुक्स लेके जानी है। लेकिन अगर हमारे पास आईपैड है तो जैसा कि आप देख सकते हो, मेरी ये सारे नोट्स जो हैं इसी में हैं, और मुझे कहीं पे बुक ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैंने मेरे पूरे जो इम्पोर्टेंट बुक हैं, जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, वो मैंने सारे इसी में रखे हुए हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर अगर हम बात करते हैं क्या 32 GB एनफ होने वाला है, तो हाँ, अगर आप बस नोट मेकिंग, बस पढ़ाई के लिए लेने वाले हो तो 32 GB मोर देन एनफ है। क्योंकि मेरा भी अभी अप्रॉक्स 16 to 17 GB स्पेस ही फुल हुआ है, क्योंकि मैं इस आईपैड में यूज़ ही बस गुड नोट्स करता हूँ। हाँ, पहले ज़रूर पबजी खेलता था, लेकिन तब भी वो अप्रॉक्स 3-4 GB आपका स्पेस कवर करता है, और बाकी आप जितना है आप उसको अपने बुक से फिल कर सकते हो, ठीक है ना। ऊपर से सबसे बड़ी बात ये है कि आपका ये जो गुड नोट्स है ना, इसमें आप चाहो तो इसको आप गूगल ड्राइव से सिंक भी कर सकते हो, जिससे कि आपका नोट जो है खोने का कोई टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर बात करते हैं ऑल्टरनेटिव ऑफ आईपैड का, तो आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी कि अगर आप आईपैड नहीं लेना चाहते हो तो आपके पास अगर लैपटॉप है तो आप एवर नोट ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, और उसमें नोट मेकिंग भी कर सकते हो। और नोट मेकिंग इन द सेंस आप उसमें कॉपी पेस्ट करोगे, है ना, या तो आप कॉपी पेस्ट करो उसमें या तो आप टाइप करो, है ना, दो ही चीज़ कर सकते हो। आप उसमें लिख नहीं सकते हो अंटिल, मतलब उसमें लिखने का ऑप्शन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिटवीन द लाइंस लिख सकते हो। वो ऐसा होगा कि अगर आपने कोई पैरा कंप्लीट किया है ना, तो एवर नोट में आप उसके नीचे ही लिख पाओगे, इन बिटवीन द लाइंस नहीं लिख सकते हो। लेकिन गुड नोट्स में क्या है, ये एकदम आपकी कॉपी की तरह है, आप आराम से यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे हाथ रख करके इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हो, इसमें आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला है। बात करते हैं इसके बैटरी बैकअप का, तो ट्रस्ट मी गाइस, एप्पल का प्रोडक्ट है और इसका बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा है, मतलब आपको इस चीज़ में कोई भी इशू नहीं होने वाला है। या बैटरी बैकअप हो गया या तो कोई लैग का इशू हो गया, ये सारे इशूज़ आपको बिल्कुल भी नहीं देखने वाले हैं, ठीक है ना। बात करते हैं प्रोज का, तो प्रोज मैंने आपको बता दिया है कि आप अपने पूरे नोटबुक को, हर एक चीज़ को एक ही जगह पे स्टोर कर पाओगे, आप जब चाहो जहाँ चाहो उसे ओपन करके पढ़ सकते हो, कोई भी इशू नहीं होने वाला है। और कॉन्स तो मुझे अभी तक कोई समझ में नहीं आया। हाँ, आप ये भले आपका अप्रॉक्स 35,000 तक, मान लो अप्रॉक्स 35K लेता है,
लेकिन ये एक इन्वेस्टमेंट की तरह है, एंड मतलब बहुत ही ज़्यादा हैंडी हो जाता है अगर आपको पढ़ना है और आप मतलब फ्रिक्वेंटली कहीं कहीं मूव करते रहते हो। जैसे कि मुझे मेरे होम टाउन से हैदराबाद मूव करना पड़ा, तो ये मतलब मुझे उतनी सारी बुक्स यहाँ पे ले आने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मेरे पूरे नोट्स इसी में हैं। और उसके बाद ये है कि जितने भी नोट्स मुझे बनाने होते हैं मैं इसी में बना लेता हूँ और स्टोरेज का कोई इशू नहीं होता है। तो आप इसको अगर आपके पास बजट है तो आप आईपैड को कंसिडर कर सकते हो, ठीक है ना। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।